एक बरसात ने धान खरीदी केंद्रों की खोली पोल, किसानों की मेहनत और शासन के करोड़ों रुपए बह गए पानी में। सरकार तो किसानों के लिए कई योजना के तहत लाभ पहुंचाने का कार्य कर रही है, वहीं किसानों के अनाज को खरीदने के लिए कई केंद्र बनाए गए ताकि किसान को किसी भी प्रकार के समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं आए दिन अधिकारी भी धान खरीदी केंद्रों का मुआयना कर रहे हैं, पर असलियत क्या है यह साफ देखा जा सकता है। जिला प्रशासन ने कई नोडल अधिकारी भी इन केंद्रों को देखने के लिए बनाया, पर शायद कागज की गर्मी के कारण अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों के प्रबंधकों की मनमानी दिखाई नहीं दे रही। जहां धान खरीदी केंद्रों में किसानों के लिए कई सुविधा के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, पर शायद यह निर्देश कागजों तक ही सीमित है। ऐसा ही एक नज़ारा धान खरीदी केंद्र बुढ़ार व धनपुरी में देखने को मिला, जहां एक बरसात में लाखों की धान भीग गई, वहीं इन केंद्रों में सुविधा के नाम पर शासन से लाखों रुपए का बंटरबांट हो रहा है। वहीं किसान ही अपनी धान केंद्र तक लाता है व स्वयं ही पूरे कार्य करता है। वहीं आनंद फानन में फटी पन्नियों को धान के ऊपर डालकर पैसा बचाया जा रहा है। आखिरकार कहां गए शासन के निर्देश, जहां किसानों को सुविधा देने की बात करते हैं। धान उपार्जन प्रभारी समर बहादुर सिंह की मनमानी से कई किसान परेशान हैं। इसी बीच बुढ़ार धान उपार्जन प्रभारी भागवत प्रसाद पांडे से बात करनी चाहिए तो वो भागते नजर आए। धान खरीदी केंद्र में धान की बोरियों को बिना पन्नी के ही नीचे रख दिया गया, जो बरसात में भीग गई। इसी प्रकार चन्नौड़ी में भी धान की बोरियों को नीचे रखा गया। वह किसान ने मीडिया को बताया कि चन्नौड़ी में किसानों की KYC न होने से किसान परेशान हैं, वहीं मजदूरों के न होने से भी किसानों के धान नहीं उठ पा रहे। आखिरकार शासन ने क्या व्यवस्था किसानों के लिए किया, यह शासन व सरकार से बड़ा सवाल है। प्रताप सिंह, मैं ग्राम पोस्ट चन्नौड़ी के रहने वाला। क्या समस्या हो रही है? समस्या तो सर यहाँ एक्चुअली के किसानों की 15-20 दिन लेट यहाँ खरीदी शुरू हुई। हमारे ग्राम में एक समूह द्वारा खरीदा जा रहा है। क्या नाम है समूह का? समूह का मोहिनी समूह है। अच्छा। और महिलाएं लोग हैं, और यहाँ धान जो किसान बेच भी दिए हैं उन लोग KYC यहाँ से नहीं हो रही। उनको तो पर्ची दे दिया गया, लेकिन बोल रहे KYC नहीं हो रही। किसानों का धान चला जाएगा, उनको जब KYC ना होगी उनको पैसा ना मिलेगा है। और धान आप देखिए यहाँ बोरे में पड़े हैं, नीचे ना ढकने की व्यवस्था ना जितना वो महिलाएं बेचारी क्या करें। तो ये कर्मचारी अधिकारी का जो स्टाफ है, अब पहली बार समूह खरीद रही है ना, तो कर्मचारी अधिकारी सबको आइए, सबको पैसा चाहिए, सब पैसा चाहिए, सब कर्मचारी देखने सुनने आते हैं। किसानों के बारे में कोई सोचता है? कोई नहीं सोचता है। अब मैसेज भी अभी तक बहुत से किसानों को नहीं, कुल 15 दिन खरीदी है। और ये भी बताइए सर, अभी बरसात हुई जहाँ एक हफ्ते खरीदी बंद है, और 17 तारीख को खरीदी बंद हो जाएगी, तो जो किसान धान ना बेच जाएगा इसका जवाबदार कौन होगा, ये बताइए आप। अभी 27 तारीख को ही मैंने खरीदी केंद्र चन्नौड़ी शाम को जा करके वस्तु स्थिति का जायजा लिया था, और आवश्यक निर्देश दिए गए थे। और KYC या फिर मैसेज नहीं आना या परेशानी किसानों के लिए, ये आपके माध्यम से मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है। और किस तरह की समस्या है ये तो डिपार्टमेंटल जो तकनीकी है जानकार होगा, उनसे ज़्यादा जानकारी हासिल हो सकती है। फिर भी अभी मैं स्वतः जा कर के देखूँगा कि किस तरह की समस्या किसानों को हो रही है। हाँ जी, मैं कन्हैयालाल तेकाम, नए तहसीलदार, उप तहसील चन्नौड़ी।